सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 9 दादाजी की बगिया का प्रश्न 5 करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि वो प्रश्न क्या है। नीचे दिए वाक्यों में एक या कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है। जैसे देखो, ये वाक्य लिखा हुआ है, इन वाक्यों में इसमें एक शब्द के नीचे रेखा खींची है और इसमें दो शब्द के नीचे। उन शब्दों के स्थान पर कोष्ठक में से सही शब्द इस तरह रखो कि वह वाक्य प्रश्न बन जाए। तो देखिए, कोष्ठक में आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। वो शब्द कौन कौन से हैं वो एक बार पढ़ते हैं। कहां, कौन, किसे, कब। अभी जो शब्द हैं ये हम कहां उपयोग करेंगे, कहां को हम जगह की जगह उपयोग करेंगे। ठीक है, जहां जगह आएगा वहां हम कहां उपयोग करेंगे। कौन का प्रयोग हम व्यक्ति की जगह करेंगे, जहां व्यक्ति होगा वहां हम कौन लिखेंगे। किसे का भी प्रयोग हम व्यक्ति की जगह ही करेंगे, जहां अगर किसी कोई व्यक्ति की बात हो रही है तो हम वहां भी किसे लगाएंगे। उसके बाद जहां भी समय की बात होगी वहां हम कब लगाएंगे। और देखिए, जो हमारा ये वाक्य है, अगर हम इसमें कहां, कौन, किसे, कब लगाते हैं तो ये प्रश्नवाचक वाक्य लग जाता है और प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है, बगिया में नीचे गिरे फूल रोहन दादाजी को देता है। तो अब किसके नीचे ने रेखा खींची हुई है, रोहन के नीचे। तो अब देखिए, जो रोहन है वो क्या है, रोहन एक व्यक्ति है, एक इंसान है। तो व्यक्ति के लिए हम क्या लगाते हैं, दो चीजें लगाते हैं, कौन या किसे। तो बगिया में नीचे गिरे फूल, किसे तो नहीं आएगा ना, किसे दादाजी को देता है, क्या आएगा, कौन दादाजी को देता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बगिया में नीचे गिरे फूल कौन दादाजी को देता है, और आखिरी में प्रश्न सूचक ये चिन्ह लगाएंगे। बगिया में नीचे गिरे फूल, अब रोहन जो है ये शब्द यहां से हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा कौन, कौन दादाजी को देता है, और आखिरी में अब पूर्ण विराम ना लगा के प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। अगला है वाक्य जो है, हमारी छुट्टी रविवार को होती है। अब रविवार के नीचे जो है वो रेखा खींची हुई है, तो इसकी जगह क्या आएगा, रविवार कोई जगह नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये समय बता रहा है कि कब रविवार, तो क्या आएगा यहाँ पर, कब, यानी रविवार की जगह हम कब लिखेंगे। हमारी छुट्टी, अब रविवार की जगह क्या लिख देंगे, कब रविवार को, तो कब होती है, और पूर्ण विराम की जगह प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है, कभी कभी बगिया में माली भैया भी आते हैं। तो माली भैया की जगह हमने क्या लगाया हुआ है, लाइन खींची हुई है, रेखा खींची है। तो माली भैया क्या है, वो व्यक्ति है। तो व्यक्ति में दो चीजें हैं, कौन या किसे। तो कभी कभी बगिया में किसे नहीं आएगा, क्या आएगा, कौन। कभी कभी बगिया में कौन आते हैं, भी के नीचे की रेखा। तो कभी कभी बगिया में कौन आते हैं, और आखिर में क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। इसी तरीके को आप, इसी तरह से आपको ये जो प्रश्न 5 है उसके नीचे दिए गए जो उदाहरण है वो आपको करने हैं। धन्यवाद बच्चों।